आज के वीडियो में जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो आपने ना कभी सुनी है, ना कभी देखी है, ना कभी बनाई है। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो है कुल्फ़ी रेसिपी। और ये कुल्फ़ी खाने में बहुत लजीज लगती है, फटाफट से बन जाती है और खाने में भी बहुत मस्त रहती है। उसके साथ में समर में खाने के लिए ये सबसे अच्छी कुल्फ़ी है। और घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ में ये बन जाती है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट बनती है। तो चलिए बनाते हैं छाछ की कुल्फ़ी। तो छाछ की कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप बटर मिल्क लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे आधा कप शुगर ली है और ये कुछ कुल्फ़ी की स्टिक लिए है। साथ में यहाँ पे ऑरेंज एसेंस लिया है और ऑरेंज कलर लिया है। आप चाहे तो कोई भी कलर और एसेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या तो फिर सिर्फ प्लेन छाछ के भी आप इसे रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बाउल में छाछ लिया है और उसमें मैं शक्कर को ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। शक्कर पिघलने तक हमें इसे मिक्स करना है। शक्कर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में यहाँ पे शक्कर पूरी घुल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्कर घुलना शुरू हो गया है और घुल पूरा हमें शक्कर को यहाँ पे घुलने देना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज इसेंस डाल देंगे और थोड़ा सा ऑरेंज, एक ही बूंद में यहाँ पे ऑरेंज कलर की डाल रही हूँ, इसी की वजह से इसको बहुत अच्छा कलर आने वाला है। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया, एक बूंद की वजह से कितना अच्छा कलर बन गया है। और अब हमारा ये जो बैटर है वो रेडी हो चुका है कुल्फ़ी का, और अब हम इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का कुल्फ़ी मोल्ड लिया है और उसमें अब मैं ये जो कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है उसे भर दूंगी। ये कुल्फ़ी बनाते समय आपको ध्यान में सिर्फ एक बात रखनी है कि आपको जो बटर मिल्क यूज़ करना है वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है। फ्रेश बटर मिल्क के साथ में बनाई गई ये कुल्फ़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए हमें हमेशा इसे फ्रेश बटर मिल्क के साथ ही बनाना है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है जिसे मैं इस कुल्फ़ी मोल्ड के ऊपर अच्छी तरह से चिपका दूँगी। अब हम कुल्फ़ी स्टिक को लेंगे और एक एक मोल्ड के इसमें इसको डाल देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारी जो कुल्फ़ी मोल्ड है उस सारे जो कुल्फ़ी मोल्ड है उसमें हम ये स्टिक चिपका देंगे। तो सारे स्टिक अभी हमने लगा दी है और अब हम क्या करेंगे, इस कुल्फ़ी मोल्ड को हम 8 या 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो 8 घंटे के बाद में यहाँ पे कुल्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं एल्युमिनियम फॉइल को इससे हटा दूँगी और आप देख सकते हैं कुल्फ़ी बहुत अच्छी तरह से जम गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फ़ी जम गई है। और इसे अब हम क्या करेंगे, डीमोल्ड करेंगे। तो इसे डीमोल्ड करके मैं आपको बताती हूँ, बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर है और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगती है। इसमें आप अलग अलग फ्लेवर बना सकते हो, जैसे रोज़ फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर इसका बहुत बढ़िया लगता है। उसके साथ में इसका खश फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए कुल्फ़ी का टेक्सचर कितना बढ़िया बना है, खाने में बहुत सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत मस्त लगती है। और चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इसकी प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें मैं एक एक कुल्फ़ी करके रख दूँगी। तो आपको अगर ये मेरी छाछ की कुल्फ़ी यानी बटर मिल्क की कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक खाते रहिए।